तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल में देख सकते हैं DB और मेडिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। DFCCI LMTS वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जिनका भी सिलेक्शन DB और मेडिकल के लिए हो चुका था उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जैसा कि आप बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सर DFCCIL पर वीडियो बनाइए, DFCCIL के बारे में जानकारी दीजिए, एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, मैं फालतू वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं निकलता। आप सभी को इतना सोचना चाहिए, यदि आपके में DB स्टार्ट हैं, 3 तारीख से DB स्टार्ट होना था और मेडिकल स्टार्ट होना था, तो उसके पहले एडमिट कार्ड ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, जैसा इसीलिए मैं सोच रहा था कि जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तभी वीडियो बनाऊंगा, और जैसा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा फुल डिटेल, आपको एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में दिए हैं। जैसा कि अभी एडमिट कार्ड आया, मुझे अभी आप लोगों के कमेंटों के माध्यम से ही पता चला और मैंने चेक किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार तो कोई नहीं होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी इस चैनल सेलेक्टेड कैंडिडेट इस चैनल पर बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी ITI से संबंधित बच्चों को न्यू वैकेंसी की जानकारी मिल सके। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को दूसरे बच्चों में सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको भी ITI से संबंधित जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ कैसे करना है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो आपको हमारी वेबसाइट www.thevirallstd.com पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सबसे सरल प्रोसेस बताऊंगा विथ लाइव प्रूफ के साथ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल की डेट आ चुकी है और आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एडमिट कार्ड में। तो दोस्तों, हर बार की तरह आपको आना है सिंपल गूगल क्रोम ब्राउज़र में। इसमें आपको आके सिंपली टाइप करना है www.thevirallstudy.com। आप जैसे ही इसको टाइप करेंगे, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूट्यूब के थंबनेल में मिल जाएगी। इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा। दोस्तों, थोड़ा सा इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा आप लोगों के। तो आपको इसको सबसे पहले कर लेना है यहाँ से डेस्कटॉप साइड। दोस्तों, डेस्कटॉप साइड में आपको सही से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे इसको डेस्कटॉप साइड करेंगे और आप आएंगे हमारी यहाँ पे फ़ोटो पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको सिंपली आना है हमारी पहली पोस्ट पे, जो है जुलाई करेंट अफेयर टॉप 50 करेंट अफेयर। जुलाई के टॉप 50 करेंट अफेयर हैं दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। या फिर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा यहाँ पर DFCCIL रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके पॉपुलर पोस्टों में जाके भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से बताता हूँ जुलाई टॉप 50 करेंट अफेयर में। आपको सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा और जुलाई के टॉप 50 करेंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। इनको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा DFCCIL MTS DB एंड मेडिकल एडमिट कार्ड। क्लिक हियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड करके बताऊंगा आपको विद प्रूफ के साथ। यदि आपको DFCCIL की और जानकारी चाहिए तो आपको सिंपली न्यू अपडेट में जाना है। जैसे ही आप न्यू अपडेट में जाएंगे दोस्तों, तो आपको सिंपली अदर पोस्ट पर क्लिक करना है। अदर पोस्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप पॉपुलर पोस्टों में से भी जाकर DFCCIL रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ आप न्यू अपडेट में जाके पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा DFCCIL रिक्रूटमेंट 2018। यहाँ से आप DB का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे फुल डिटेल मिलेगी दोस्तों, हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। जो भी आपने पुराने चीज़ें आपको पता करनी है, पुराने रिजल्ट पता करने, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली नीचे जाना है, बहुत लंबी वैकेंसी थी, बहुत सारे रिजल्ट आए दोस्तों। यहाँ पे आपको हर एक रिजल्ट, हर एक जानकारी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे फिजिको की डेट, MTS का रिजल्ट, PET का एडमिट कार्ड दोस्तों, PET का शेड्यूल मिल जाएगा आपको। और दोस्तों, इसको मैंने कलरफुल करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DFCCIL DB एंड मेडिकल एडमिट कार्ड। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे
करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ऐसा क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको रखनी होगी यूज़र आईडी और पासवर्ड। ये यूज़र आईडी आपको मोबाइल पे मैसेज में भी मिल जाएगा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपके लिए मैसेज आया होगा, या फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। सिंपली आपको यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है। चलिए यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों, मेरे पास फ़िलहाल एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड है, तो उस पर मैं फुल डिटेल बता दे रहा हूँ आपको। यूज़र नेम DFCCIL के बाद आपको जो भी अंक लिखे होंगे और आपका पासवर्ड, जैसे ही आप फिल करके इस पर लॉगिन करेंगे, तो आपको लॉगिन करने के बाद फ़िलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ विथ लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मेरे पास किसी भी कैंडिडेट की यूज़र आईडी तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन पासवर्ड अभी किसी भी कैंडिडेट का नहीं है। तो फ़िलहाल मैं एक एडमिट कार्ड मेरे पास पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है, उस पर मैं बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। यदि ये जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कीजिए, हम आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बता देंगे। फ़िलहाल मैं एडमिट कार्ड में बता रहा हूँ क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों जैसे ही आप उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड भरेंगे और ऑल पर क्लिक करेंगे, तो एडमिट कार्ड कॉल लेटर लिखा आएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद इस टाइप का एक आपके पास कॉल लेटर जारी हो जाएगा दोस्तों, और इसमें आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम जो आपका 10/11/2018 को हुआ था, PET जो आपका 13 से 16 जून के बीच हुआ था, मल्टीटास्किंग ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इनको ये मिला है डिपार्टमेंट, और यहाँ पे ये शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इनका DB और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने दे रखी है 24 को, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, टाइम भी दे रखा है 9:30 बजे से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 24 तारीख को, और मेडिकल की डेट यहाँ पे दे रखी है इन्होंने 25/9/2019, तो 25 तारीख को इनका मेडिकल टेस्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने प्लेस भी दे रखा है आपको, जैसा कि पता होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज़ 5 फ्लोर प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। तो आपको ये इनका जो हेडक्वार्टर है प्रगति मैदान में, तो वहीं पे आपका DB और मेडिकल होना है दोस्तों। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दोस्तों जैसा कि एडमिट कार्ड अभी आए हैं तो मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आप ये शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, हो सकता है यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं लाइव क्लास भी लेके आऊँगा DFCCIL की। जैसे ही 3 तारीख और 4 तारीख में मेडिकल और DB होगा, तो उसके बाद मैं लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। फिलहाल 3 तारीख और 4 तारीख को जिनका DB और मेडिकल है उनको ये कॉल लेटर, ये डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर साथ में ले जाने हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मतलब जी आपने अभी जो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर बता रहा हूँ, ये कॉल लेटर आपको लेके जाना है साथ में। ई कॉल लेटर ऑफ इशू द CVT एग्ज़ाम कंडक्ट, जो आपका CVT के दौरान आपको ई कॉल लेटर जारी हुआ था, वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। और साथ ही साथ दोस्तों PET के लिए जो ई कॉल लेटर आया था वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ई कॉल लेटर साथ में लेकर जाना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, PET वाला और CVT वाला। तो 3 कॉल लेटर आपको साथ में लेकर जाना है दोस्तों। यदि ये कॉल लेटर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर मैं 3 से 4 तारीख के बीच में दे दूंगा, ये कंपलसरी हैं या अदरवाइज इनके बिना भी काम चल जाएगा या नहीं, ये मैं 3 तारीख को बता दूंगा। जिन भी कैंडिडेटों का 3 या 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो, वो हमें कमेंट करके अपनी जानकारी ज़रूर दें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या क्या लग रहा है, क्या क्या कैसा प्रोसेस है। और फिलहाल दोस्तों ये 3 लेटर के बाद आपको 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है दोस्तों। यहाँ पर 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, कोई भी फ़ोटो हो सकती हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अलॉन्ग विथ डुप्लीकेट सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेकर जाना है और उनकी 2-2 फोटो काफ़ी सेल्फ अटेस्टेड आप में एक एक ले जानी पड़ती है। लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उनके 2 सेट बना के जाएं और दोनों को एक को सेल्फ अटेस्टेड कर लें दोस्तों, एक फ़ोटो से एक सेट को आप सेल्फ अटेस्टेड कर लें। और यहाँ पे आपको क्या लगना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यदि नहीं है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यदि आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ डली है तो वो भी चल जाएगा। तो आपके पास 10th की मार्कशीट आपको लेकर जाना है। इन द केस ऑफ एज रिलैक्सेशन, यदि आपको एज रिलैक्सेशन मिला है तो SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए, PWD कैंडिडेट वालों के लिए उनका सर्टिफिकेट लेकर जाना है दोस्तों।
साथ ही साथ आपको लेकर जाना है मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है सेंट्रल का। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा सेंट्रल का लिखा है दोस्तों, गवर्नमेंट इशू, और एक मिनट में बता दे रहा हूँ कहाँ लिखा है इन्होंने सेंट्रल का। यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी इंक्लूडिंग द सेंट्रल लिस्ट हैविंग सर्टिफिकेट। तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगना है दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट में, और मैट्रिकुलेशन यदि आपके पास है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी क्लास मार्कशीट अलॉन्ग विथ मार्कशीट सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब सब कुछ आपने जो अभी तक शुरू से लेकर अभी तक आपने टेंथ के बाद से जो भी आपके टेंथ ट्वेल्थ मार्कशीट ग्रेजुएशन आपने आईटीआई डिप्लोमा जो भी कर रखा है सब कुछ आपको साथ में लेकर जाना है। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो आपका आपने उस टाइम फॉर्म भरते टाइम जो वैलिड था, मतलब फॉर्म भरते टाइम ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा वही आपको लेकर जाना है। सेकंड दोस्तों कैंडिडेट सर्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि आप गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मतलब जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और जो डिस्चार्ज स्लिप एक्स सर्विसमैन वालों के लिए लेकर जाना है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है, और यहाँ पे इन्होंने लेकर रखा है दोस्तों वही सब कुछ जानकारी है मैं अभी शॉर्ट में बता दूंगा। प्लीज़ ब्रिंग अलॉन्ग ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ द रिगार्डिंग हायर क्वालिफिकेशन, मतलब आपको सभी आपके सभी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाना है, और हायर क्वालिफिकेशन भी लेकर जाना है, और उनकी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। और यहाँ पे लिखा है द पोस्ट मस्ट बी मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी प्रोसेस मल्टी टास्किंग स्टाफ ग्रेड फोर विथ इन मेट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम वन ईयर ड्यूरेशन कोर्स कम्प्लीट आईटीआई अप्रेंटिसशिप एससीबीटी एनसीबीटी विथ नॉट लेस देन 60%। यहाँ पे इन्होंने ये लिख कर रखा है दोस्तों आपके पास एक साल की आईटीआई होनी चाहिए एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से, इसके साथ ही आपके उसमें 60% होना अनिवार्य है, तो ये इन्होंने लिख के रखा है। और दोस्तों ये एडमिट कार्ड अभी मैंने डाउनलोड किया है तो इसके बारे में मैंने अच्छे से अभी आपके और भी कमेंट पर बेस्ड वीडियो बना दूंगा, जो भी आपके इसके बाद कमेंट होंगे उस पर बेस्ड वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह की वीडियो लेकर आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों आप हमें फोनपे के माध्यम से thevirallstudy@ybl पे हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं, पेटीएम के माध्यम से thevirallstudy@paytm पे सपोर्ट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन में प्रकाश लिखा आएगा, और भीम UPI के थ्रू भी आप हमें हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। दूर मतलब दोस्तों आप 5 रुपये से कम 100 रुपये तक तो अभी दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं सर सैलरी के टाइम दे दूंगा, सर कंप्लीट होने के बाद दे दूंगा, लेकिन दोस्तों आप 2 से 5 रुपये तो दे ही सकते हैं, जिससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिले आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूँ, क्योंकि दोस्तों YouTube के वीडियो में कोई कमाई नहीं होती दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और जिन भी कैंडिडेटों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है वो हमें कमेंट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर सकते हैं, हम उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देंगे। आप हमारी ईमेल आईडी पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज सकते हैं thevirallstudy@gmail.com पे, और उस पर आप हमें अपना ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दीजिए, हम आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वहीं से आपको भेज देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कुछ हेल्प एंड सपोर्ट करने के बाद आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजिए, हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपकी मेल पर भेज देंगे, तो आप वहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, इसी तरह हमारे चैनल पर प्यार बने रहें, और अपने मन में जो भी कमेंट हो आप जो भी आपके मन में डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो लेकर आ जाएंगे। थैंक यू।